नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हर शुभ काम में चावल का उपयोग होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो चावल का ये उपाय जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक बार इसे अपना कर देखिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गरीबी दूर करने के लिए बहुत से कारगर उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अपनाने से सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं तो दूर हो ही जाती है, साथ ही हर प्रकार की जन्मों जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है। यदि किसी वजह से धन प्राप्ति करने में कोई समस्या रही है तो आज इस वीडियो में बताए गए उपाय को अपनाएं और सभी परेशानियों को दूर कर लें। यदि आप भी किसी ग्रह बाधा से पीड़ित हैं और अपने पर्स में अधिक समय तक अगर आपके पर्स में कोई पैसा नहीं टिकता है तो आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य होता है। किसी भी पूजा के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत जरूर चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी पूजा में अक्षत ना हो तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजन, कर्म, धर्म आदि में चावल का काफी बड़ा महत्व है। देवी देवताओं को तो इसे समर्पित किया ही जाता है, साथ ही तांत्रिक क्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जब किसी व्यक्ति को तिलक लगाया जाता है तब भी अक्षत का उपयोग किया जाता है। अक्षत के उपयोग करके आप घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और घर में हमेशा के लिए सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ये किया जाए कि आपके घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी विराजमान हो जाए और सुख समृद्धि का वास हमेशा के लिए हो। दोस्तों, अक्षत यानी कि जो खंडित ना हो, अक्षत यानी कि चावल। दोस्तों, आपको ऐसे चावलों का प्रयोग करना है जो कि खंडित ना हो, यानी टूटे फूटे ना हो, साबुत चावल हो, साफ सुथरे चावल होने चाहिए। ऐसे चावलों को अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको नौकरी की तलाश है या फिर जो फिलहाल आप नौकरी कर रहे हैं उसमें आप संतुष्ट नहीं है और अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आप थोड़े से चावलों को लेकर उसे उबाल लें। उबाल लेने के बाद उसमें थोड़ी सी देसी खांड मिला दें। इस प्रकार से मीठे चावल बनाकर अपने घर की छत पर या फिर खुली जगह पर डालकर कौवे को खिला दें। आप देखेंगे कि आपकी नौकरी में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन बनने के योग बनेंगे और जिन व्यक्तियों के पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी लगने के योग बनेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास पैसों की तंगी है तो आधा किलो चावल लेकर किसी एकांत शिवलिंग पर उन्हें चढ़ा दें। इन चावलों में से केवल आपको एक मुट्ठी चावल ही चढ़ाने हैं, बाकी के बचे हुए चावलों को किसी जरूरतमंद या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। यह उपाय अगर आप पूर्णिमा के बाद किसी भी दिन करते हैं तो आपको उसका लाभ देखने को मिलेगा। यह क्रिया आप लगातार 5 बार करें, यानी 5 दिन लगातार करें, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चावलों से केवल आर्थिक तंगी ही नहीं बल्कि पितृदोष को भी दूर कर सकते हैं। यदि आपके ग्रह नक्षत्रों के अलावा पितृदोष की वजह से भी कोई समस्याएं चली आ रही हैं तो फिर आप पितृदोष की समस्या को भी सुलझा सकते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए चावल की खीर और रोटी कौवे को खिला दें। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके रुके हुए सभी काम बनने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में आप उनकी सफलता प्राप्त करवाना चाहते हैं तो उनकी बुद्धि को तेज करने के लिए आप गणेश भगवान को एक मुट्ठी चावल चढ़ा दें। ऐसा कार्य आप लगातार 9 दिन तक करें। आश्चर्यजनक रूप से बच्चों की बुद्धि का विकास होने लगेगा। दोस्तों, अगर आप अचानक से धन प्राप्त करना चाहते हैं, मनचाहा धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में 1 साबुत हल्दी की गांठ रख दें। उसके बाद 1 दीपक जलाकर, जो दीपक देसी घी का होना चाहिए, और दीपक में रुई के स्थान पर लाल रंग की बत्ती का प्रयोग करें। दीपक जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पूरे 108 बार यानी कि 1 माला जाप करें। जाप करने के लिए आप तुलसी की माला का ही प्रयोग करें अथवा अपनी उंगलियों पर गिनें। उसके बाद आप इस हल्दी की गांठ को उठाकर अपने घर में मौजूद चावलों के डब्बे में इसे गाड़ दें। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि कुछ ही समय में आपके घर की तिजोरियों को भर देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें मैं इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जय बजरंगबली।